हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पर बेस्ड है। क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल्स टू दिस। आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है एंड एफ एक्स को आप रीड करेंगे फंक्शन से। ये एक फंक्शन है जो कि आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सेवन। शो दैट एफ ए इक्वल्स टू जीरो टू बाई टू। जीरो एक नल मैट्रिक्स है, आपको इसमें शो करना है कि एफ ए आएगा एक नल मैट्रिक्स। सेकंड है, यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड ए फाइव। आपको ए फाइव भी फाइंड आउट करना है लेकिन उस रिजल्ट का यूज करके। वो रिजल्ट ये है, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है ए मैट्रिक्स और ये फंक्शन। अब एफ ए फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो ये एक्स की फॉर्म में इक्वेशन है इसे ए की फॉर्म में लिखना होगा। तो टू फाइंड एफ ए वी रिप्लेस एक्स बाय ए। एक्स को हटा के हम ए लिख लेते हैं। तो सारी इक्वेशन के अंदर जहां जहां एक्स है वहां वहां हमने ए कर लिया। एफ ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस सेवन। अब एफ ए को आप लिखिए, ए स्क्वायर मीन्स होता है कि ए टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए को हम लिख सकते हैं ए डॉट ए माइनस 4 इंटू ए। अब ये 4 ए क्या है? 4 एक स्केलर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है ए मैट्रिक्स के साथ। 4 ए प्लस 7। 7 के साथ कुछ नहीं है तो आप आई टू यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो पूरी इक्वेशन है एक मैट्रिक्स का यूज़ करने वाली है। तो इसलिए हमें 7 के साथ भी एक मैट्रिक्स चाहिए होगा। अगर आपको मैट्रिक्स नहीं दिया है तो वहाँ पर आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाएंगे। आई टू मीन्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1-1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर ए मैट्रिक्स रखिए, ए डॉट ए। ए की जगह पे ए मैट्रिक्स, इस दूसरे ए की जगह पे भी ए मैट्रिक्स। दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो इन्हें अब हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस फोर ए, फोर एक स्केलर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ। प्लस सेवन आई टू, आई टू टू हमने ऑर्डर इसलिए लिया है क्योंकि हमारी जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी 2x2 है। तो आपने भी इसके एलिमेंट्स 2 ऑर्डर के लेने हैं। अब ए डॉट ए कीजिए, रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 इंटू माइनस 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1। सेकेंड रो के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 4। मल्टीप्लाई कीजिए इस पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ। 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, 4 इंटू 2 8 प्लस 7 की मल्टीप्लाई कीजिए आई टू के साथ। 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 0 0। तो ऐसे मेरे पास ये एलिमेंट्स आ गए। अब आगे सॉल्व कीजिए, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू माइनस 1 हमें से मिलेगा माइनस 3। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 6 प्लस 6 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 4। बाकी मैट्रिक्स को भी ऐसे ही लिख लीजिए। तो ऐसे इनको अब सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद हमें मिला 4 माइनस 3 1, 6 प्लस 6 12, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4। माइनस माइनस ऐड होगा, माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस 3 प्लस 4, तो माइनस प्लस माइनस, प्लस का 1 क्योंकि साइन पॉजिटिव का आएगा। माइनस, बाकी के मैट्रिक्स भी ऐसे ही लिख लीजिए। अब इनको, इन दोनों के बीच में माइनस होगी, फिर जो आएगा वो ऐड होगा। लेकिन हम इनको तीनों को साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस 8 प्लस 7, हर एक मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट और विद साइंस। 12 माइनस 12 प्लस 0, हर एक मैट्रिक्स का सेकेंड एलिमेंट। माइनस 4 माइनस माइनस 4, यहाँ पे ये माइनस 4 है, फिर मैट्रिक्स के बीच का साइन, फिर माइनस 4 का साइन, प्लस 0, फिर 1 माइनस 8 प्लस 7।
सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 8 मुझे मिलेगा -7, तो -7 + 7 0, 12 - 12 0, -4 -, प्लस, तो ये हुआ -4 + 4 0, 1 - 8 -7 + 7 0, तो एफ ए के एलिमेंट्स आए सारे 0, इसका मतलब एफ ए हमने शो कर दिया कि वो एक नल मैट्रिक्स है, तो एफ ए हमने शो कर दिया कि वो एक नल मैट्रिक्स आया। अब क्वेश्चन में ये है कि एफ ए आने के बाद आपने इसी का यूज़ करना है, यूज़ दिस रिजल्ट टू फाइंड ए फाइव फाइंड आउट करने के लिए। ए फाइव क्या है, ए मैट्रिक्स का एक्सपोनेंट है 5 times, ए मल्टीप्लाई हो रहा है 5 times, तो इस रिजल्ट का यूज़ करते हैं ए फाइव फाइंड आउट करने के लिए। ए फाइव के लिए हम उसको लिख सकते हैं ए थ्री और ए टू के मल्टीपल में, हम ए फाइव को दो तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं ए थ्री और ए टू में। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एफ ए जो फंक्शन है वो है ए स्क्वायर माइनस 4a + 7i2 इक्वल्स टू 0, नल मैट्रिक्स को हमने 0 लिख लिया। ये जो इक्वेशन है ये एफ ए की इक्वेशन है, यहाँ से हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा। अगर हम इनको इन एलिमेंट्स को राइट साइड ले जाएं तो हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा, तो इसीलिए हमने ए फाइव को स्प्लिट किया ए टू में और ए थ्री में। फ्रेंड्स हमें ए फाइव के लिए इक्वेशन बनानी होगी, तब जाके हम ए मैट्रिक्स को उसमें पुट करके फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए पहले हमने इसको ए थ्री में डिवाइड किया और ए टू में डिवाइड किया। ए टू आने के बाद ए टू की इक्वेशन हमारे पास आई 4a - 7i2, 4a यहाँ नेगेटिव है, यहाँ जाके राइट साइड जाके पॉजिटिव हो गया, देखिए इसके आगे साइन पॉजिटिव है, 7i2 यहाँ पॉजिटिव है, राइट साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। ए टू आ गया, ए टू की इक्वेशन आ गई है। अब ए थ्री की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। ए थ्री आप कैसे निकालेंगे, हमारे पास एफ ए में तो कोई ए थ्री नहीं है, लेकिन हम ए थ्री को ए डॉट ए टू कर सकते हैं, ए डॉट ए टू, अगर आप 2 और इसकी एक्सपोनेंट हुई 1, तो 1 + 2 = 3, तो इसलिए हम ए थ्री को ए डॉट ए टू में स्प्लिट कर सकते हैं। ए टू की जगह हम इक्वेशन लिख लेंगे और ए ऐसे ही लिखेंगे, ए की मल्टीप्लाई होगी 4a के साथ, फिर ए की मल्टीप्लाई होगी 7i2 के साथ। यहाँ जैसे ही हमने इसको रिप्लेस किया, ए स्क्वायर की इक्वेशन को रिप्लेस किया, तो यहाँ हम दिखाएंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a इंटू 4a डॉट a, या आप मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर सकते हैं या डॉट यूज़ कर सकते हैं, -7i2 डॉट a, a डॉट a मल्टीप्लाई होके आएगा a स्क्वायर -7a। a स्क्वायर के लिए हम दोबारा से इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि a डॉट a a स्क्वायर आया, i टू a को हम a लिख रहे हैं, I टू A को हम A लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप A की मल्टीप्लाई करेंगे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, चाहे A मैट्रिक्स पहले हो और आइडेंटिटी बाद में हो, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले हो या A बाद में हो, तो दोनों की मल्टीप्लाई में हमेशा A ही आएगा सॉल्व करके, तो इसलिए हमने I टू को और A की मल्टीप्लाई को A लिख लिया है। अब इसके बाद A स्क्वायर के लिए हम इक्वेशन रखेंगे जो कि है 4a - 7i2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 4 की मल्टीप्लाई कीजिए 4a के साथ, 4 into 4a - 4 की मल्टीप्लाई कीजिए 7i2 के साथ, 4 into 7i2 - 7a, वी गेट 4 4 16 16a - 7 4 28i2 - 7a, सारे एलिमेंट्स a की टर्म्स में आ गए हैं। अब 16a - 7a सॉल्व होके हो सकता है 9a, हम ए वालों को साथ में सॉल्व कर रहे हैं, हमें इससे मिला 9a, -28 हमने नीचे लिख लिया। ए थ्री की इक्वेशन हमारे पास आई 9a - 28i2, इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया है। तो फ्रेंड्स ए फाइव के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, ए फाइव इक्वल्स टू ए थ्री डॉट ए टू, हम ए फाइव को ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसके लिए हमने A2 के लिए इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया है, A3 के लिए इक्वेशन निकाल लिया है, दोनों को हमने रिप्लेस किया, यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड,
इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की वजह से हमने ए की थ्री और ए स्क्वायर की जगह ये इक्वेशन रखा है। ए फाइव के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। फोर ए, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। ये फोर ए जो एलिमेंट है ये नाइन ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 28 आई टू के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे ही 7 आई टू भी 9 ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 28 आई टू के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई के बीच में क्या साइन रखेंगे वो देखते हैं। 4a इंटू 9a, 4a इंटू 9a, 9a हटा के हमें क्या मिला, माइनस। तो यहाँ माइनस लिख लेंगे। 4a इंटू 28 आई टू, 4a ने 9a के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया, 28 आई टू के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब है माइनस 7 आई टू की टर्न, तो माइनस वी हमें मिला तो हम माइनस लिखेंगे। 7 आई टू इंटू 9a माइनस हमें दोबारा मिला, देन यहाँ पे भी एक और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 आई टू इंटू 28 आई टू, 9 4 36, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 28 इंटू 4 112 ए आई टू माइनस 9 7 63 आई टू ए प्लस 28 इंटू 7 196 आई टू आई टू। अब इसके बाद आपने 36 ए स्क्वायर माइनस ए आई टू को रिप्लेस करके ए लिखना है। हमने देखा कि ए आई टू की मल्टीप्लाई से हमें ए ही मिलेगा, या आई टू ए की मल्टीप्लाई से हमें ए ही मिलेगा। और आई टू डॉट आई टू, दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी मल्टीप्लाई होंगी तो आपको आई टू ही मिलेगा। तो ऐसे हम रिप्लेस कर लेंगे ए आई टू की जगह और आई टू ए की जगह ए, और आई टू डॉट आई टू की जगह आई टू। वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद हम सॉल्व करते हैं। ए ए को हम लिख सकते हैं 175 ए, क्योंकि माइनस 112 है एंड माइनस 63 है, माइनस माइनस प्लस होगा तो दोनों को ऐड करेंगे तो 175 हमें मिला। देन साइन आपने ग्रेटर का यूज करना है, तो 112 ग्रेटर है 63 से, तो 112 के आगे माइनस है, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन यूज किया है। ए स्क्वायर की जगह आप दोबारा से ए स्क्वायर वाली इक्वेशन पुट करेंगे, प्लस 196 रखिए फ्रॉम इक्वेशन वन। यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि हमने ए स्क्वायर की जगह इक्वेशन वन पुट किया है। मल्टीप्लाई कीजिए 36 इंटू 4a 144a माइनस 252 आई टू, 36 के इंटू 7 आई टू से, बाकी के आगे तुमने ऐसे उतार लिए। हम ये ए स्क्वायर की इक्वेशन तब तक पुट करते रहेंगे जब तक हमें सिंगल ए की टर्म्स में इक्वेशन ना मिले, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ए स्क्वायर के लिए दोबारा से इक्वेशन पुट करी, क्योंकि हमें जो इक्वेशन चाहिए वो सिंगल ए की टर्म्स में चाहिए। अब इसके बाद वैल्यूज सॉल्व कीजिए। 144a और 175a को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए हमने उसको साथ में लिख लिया है। 252 आई टू एंड 196 आई टू को हम साथ में रख रहे हैं, इन दोनों को माइनस किया तो 31 आया, दोनों में से ग्रेटर 175 है तो इसलिए नेगेटिव साइन हमने यूज़ किया है। माइनस प्लस माइनस, तो दोनों के बीच में नेगेटिव माइनस होगा, माइनस किया तो 56 हमें मिला। 252 और 196 में से ग्रेटर 252 है तो उसका साइन आएगा जो कि माइनस है, तो इसलिए हमने 56 के आगे माइनस यूज़ किया है। अब हमारे पास ये ए फाइव की इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन के बाद आपने अब जो मैट्रिक्स हैं उनको पुट करना है। ए मैट्रिक्स क्या है उसे पुट कीजिए जो हमें गिवन है। आई टू क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है। ये लिखने के बाद अब आपने इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। माइनस 31 इंटू हो रहा है इस सारे एलिमेंट्स के साथ, 56 इंटू हो रहा है इस पूरे एलिमेंट्स के साथ, तो मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला माइनस 62 माइनस 93। माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 31 पॉजिटिव का, देन माइनस 62 माइनस 56 0 0 एंड 56। अब इनके बीच में माइनस हो रहा है तो हम माइनस करेंगे एलिमेंट्स को, तो ए फाइव के एलिमेंट्स हमें मिले माइनस 118 माइनस 93 31 माइनस 118।
तो फ्रेंड्स ऐसे हमने A5 के एलिमेंट्स फाइंड आउट किए इस इक्वेशन को निकालने के बाद। अगर ये क्वेश्चन यूज दिस रिजल्ट ना कहता तो आप डायरेक्ट उसमें A की 5 टाइम्स बार मल्टीप्लाई कर लीजिए A मैट्रिक्स को। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।